हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विथ अ वीडियो ऑन द न्यूमेरिकल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अब देखो, हियर द क्वेश्चन गोज, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टाइम 12 सेकेंड, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट. अब जो दिया है, सबसे पहला काम क्या करना है, जो दिया है, जो गिवन है, उसको अपने को नोट डाउन करना है, जो निकालना है उसको भी नोट डाउन करना है, और फिर एक्यूरेट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है. स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू क्या हो गया, जीरो. एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना हो गया 6, फॉर टाइम 12, टाइम कितना हो गया 12, कैलकुलेट नंबर वन फाइनल वेलोसिटी. अब मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, वी मुझे कैलकुलेट करना है. क्या क्या दिया है, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यूज करूँगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. V is equal to U कितना दिया है 0 plus acceleration 6 and for how much time it is moving 12 seconds 12 6 72 meter per second. This is first part of the question we have done. Next is the displacement. Now we will do the part B, that is displacement. अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आई कैन, देखो डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ में आता है, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस. तो पहले अपन सेकेंड से करते हैं, क्योंकि सेकेंड में सब कुछ दिया है, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. एस इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना है 12, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 6 और टाइम है 12 का स्क्वायर. 0 इंटू एनी नंबर इज 0, इसको मैं खा गया, 2 वन्स आर 2, 3 इज आ 3 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 4 3 इज आ 12 का 1, 4 3 इज आ 12, 3 का 1, 3 वन्स आ 3, 432 मीटर. ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया. अब सेम डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट को आप थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा. क्यों कर सकते हैं थर्ड से, क्योंकि अब मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है. तो मैं इसी क्वेश्चन को, जिसको मैंने सेकंड से सॉल्व किया डिस्प्लेसमेंट के लिए, मैं इसी क्वेश्चन को अब किससे सॉल्व करूंगा, यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आपको दोनों मेथड से नहीं करना, आपको एक ही मेथड से करना है. मैं समझा रहा हूं कि आप दोनों का यूज कर सकते हो, आपको जो इजी पड़े. ठीक है, 2 ए एस फाइनल वेलोसिटी कितना आया था 72 का स्क्वायर इनी माइनस इनिशियल 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू एस. 72 का स्क्वायर मतलब 72 इंटू 72, इसका मतलब नहीं अपन ने खा गया इसको, ये 12, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू एस. 12 वन ज़ा 12 सिक्स ज़ा 6 टू ज़ा 12 का 1, 6 सेवन ज़ा 42 प्लस कैरी 1 432 मीटर. तो आप देख सकते हो आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो यू कैन यूज़ आइदर द सेकेंड इक्वेशन और यू कैन यूज़ द थर्ड इक्वेशन, बस देख लेना कि सब कुछ इक्वेशन में दिया हुआ हो. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके,